आज हम बनाने वाले गवार और आलू की बढ़िया वाली रेसिपी। तो इसके लिए हमने गवार ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम इसके एंड्स को अच्छे से कट कर लेंगे, दोनों साइड से कट करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने गवार के दोनों एंड्स को अच्छे से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हम गवार को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, बिल्कुल इतनी साइज़ होनी चाहिए जितने साइज़ मैं रख रही हूँ। अब हम लेंगे आलू, आलू को हम दो टुकड़ों में काट लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैं काट रही हूँ। इसके बाद हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आलू को भी हम गवार वाले बोल में साइड में रख लेंगे। तो क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि मैं क्या बनाने वाली हूँ? नहीं तो ठीक है, वीडियो को एंड तक के देखते रहिए, अपने आप ही पता चल जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। मोनिकास किचन में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक कुकर, कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, फिर इसमें डालेंगे कूटा हुआ गार्लिक। गार्लिक सौते होने के बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए गवार और आलू। जब तक के हम ये सब्जी को ऐड कर रहे हैं तब तक के ये बताओ कि आप मेरी वीडियो कौन से सिटी से देख रहे हो। अगर आप मेरी वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और Facebook पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। यहाँ पे हमने गवार और आलू को कुकर में डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो क्या आप अभी भी गेस करके बता सकते हो कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ? तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, हींग डालने के बाद डालेंगे हल्दी, हल्दी के बाद हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर, चिली पाउडर उतना ही डालना है जितना आप तीखा खाते हो, फिर इसमें डालेंगे धनिया जीरा पाउडर, और फिर इसमें डालेंगे नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। इंग्रेडिएंट्स के एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, प्लीज़ वहाँ पे जाके ज़रूर चेक करना। तो यहाँ पे बेसन डालने के बाद हम डालेंगे पानी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम कुकर को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद हम करीबन इसमें 3 से 4 सीटी बजाएंगे। तो यहाँ पे हमारा खाना बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, 3 सीटी बज चुकी है, और ये देखिए ये बन गई है गवार आलू की सब्जी। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। बस चॉपिंग को थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज़ ओवरऑल सिर्फ 5 मिनट में ये बन जाती है, और बहुत ही इजी रेसिपी है। जो भी लोग जॉब करते हैं या हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो सबसे आसान है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी नीचे कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, बाय।